इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग को इथाइल अल्कोहल दिया गया है और एसिडिफिकेशन करवा रहा है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पर क्या अटैक करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सिंपल समझिएगा, पहले अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपको एक चीज हम पहले बता दें। जैसे मान लो कि हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पर H2O हो गया और इस O के पास दो दो लोन पेयर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लोग एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो यहाँ पर जैसे हम H+ लेते हैं, तो ये H+ को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और यहाँ लोन पेयर एक तरह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये H+ इस पे अटैक मारेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो अब बताओ यार, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोनेशन करवा दिया। तो बताइए अब ये लोन पेयर जैसे ही H+ को हम लोग दे देंगे तो इस H+ को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन बेचारा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने से इस ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और O पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते थे H3O+। आगे इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करवाना। हाइड्रोलिसिस जब कभी करवाएंगे तो H3O+ ही लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे याद करो हम लोग अगर अमोनिया लिखते थे तो NH3 और इस N के पास एक लोन पेयर हुआ करता था, और यहाँ पर अगर हम लोग प्रोटोनेशन करवाएंगे तो H+, फिर ये H+ इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, फिर से ये N का लोन पेयर H+ को दिया जाएगा, N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना लेगा, तो N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और इस N पे प्लस चार्ज। इसी को तो हम लोग लिखते थे बाबू NH4+। याद करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग। जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े थे तो वहां पर कंडीशन देखे थे कि जिस दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उस दो एटम में से किसी एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए और जिसके साथ बनाएगा उसके पास कम से कम एक लोन पेयर की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखें तो बताओ यार, अगर यहाँ ए लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बी लेते हैं, तो ए के पास अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं चार लोन पेयर, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ए का ऑक्टेट कंप्लीट है, और बी के पास हम लोग 3 लोन पेयर ले लेते हैं, तो बताओ यार बी के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसके पास ऑक्टेट की डेफिशिएंसी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ तो यार चार चार लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर के मामले में लॉटरी लगा हुआ है। तो अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इस बोर्ड बी को प्रोवाइड करवा दे तो इस बोर्ड बी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि ये ए एलिजिबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। सिमिलरली हर वो एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल होगा जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा और जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर होगी। तो यहाँ ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल था, यहाँ ये नाइट्रोजन भी एलिजिबल था। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, O के पास दो दो लोन पेयर। अब यहाँ पर हम लोग एसिडिफाइड H+ प्रोटोनेशन करवाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन। अब बताओ यार ये लोन पेयर इस H+ को देंगे तो O इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को दे रहा है, तो कोई भी एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर बताओ लिखेंगे हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से हम लोग लिख देंगे OH2 और O पे प्लस, जैसे यहाँ लिखते थे H3O+, यहाँ पर लिखते थे NH4+, सिमिलरली यहाँ लिखेंगे OH2+। अब जैसे ही ऑक्सीजन दिखा, ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में अमीर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में बहुत ज्यादा रिच, तो कभी भी वो अपने किसी भी एटम पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उस पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो अपने बगल वाले एलिमेंट को देखेगा, यहाँ बगल वाला एलिमेंट कार्बन, इससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये तुरंत इस पे डोमिनेंसी क्रिएट करेगा, इसका मतलब ये ऑक्सीजन चाहेगा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना यानी पुल करना, तो चलो यार पुल करना स्टार्ट कर दिए। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही इस कार्बन से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, कंप्लीटली खींच लेगा, तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचा तो ये बन गया H2O और ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, और ये कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन को तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर निकल गया मेरा H2O।
अब बताइए ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जहां तक की पॉजिटिव चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब, मतलब ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक करवाओ। तो जैसे ही हम लोग यहां पर CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 लेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक मारेंगे, अटैक करेंगे तो यहां से मेरा सिंपल बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बाहर निकल गया H2O, यानी कि प्रोडक्ट बन गया मेरा क्या, तो इथाइल बेंजीन। This will be the product, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्रोटोनेशन आपको बस समझना होगा कि कैसे हम लोग H प्लस उस स्पेसीज को देते हैं जो लोन पेयर कंटेनिंग होगा। यहाँ भी H प्लस हम लोग O को दे रहे हैं, यहाँ H N को दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ H प्लस ऑक्सीजन को देने के बाद ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, जिस किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो अपने बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, खींचने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन तो मिला, लेकिन पहले गरीब था तो पहले बनाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल बनाने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक कर गया H2O बाहर, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा उसमें पॉजिटिव, बन गया इलेक्ट्रोफाइल, अटैक मारा इथाइल बेंजीन। क्लियर? अब इससे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, यहां सिंपल देखते हैं, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर लेते हैं O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये बॉन्ड, ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसको अगर आपको याद होगा, अपना पुराना दिन याद करोगे 11th जब आप इनिशियल फेज में नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे, तो इसका नाम हम लोग बोलते थे इपॉक्सी। कितने बच्चे को याद होगा, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो गदनी बन चुके होंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते, इसका नाम क्या था, इपॉक्सी, ठीक है। और इसको हम लोग H प्लस करवाएंगे, बहुत बेसिक से समझिएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल से समझिएगा। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान दें, इसके अगर हम लोग मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान दें तो आप सिंपल समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पर CH2 और यहाँ बॉन्ड बन, इस O के पास लोन पेयर है, यहाँ पर एक और लोन पेयर है, फिर से ये H प्लस आया, ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, तो ये H प्लस इस पे अटैक किया या लोन पेयर इसको दिया, लोन पेयर इसको दिया, तो यहाँ से बन जाएगा मेरा O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बॉन्ड बना, इस O के साथ एक और H बन गया, और O चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया तो O पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमको ये बताओ, अरे यार O पे पॉजिटिव चार्ज आया ये समझ में आया, ठीक है। अरे हम लोग तो हमेशा यही देखते थे कि H3O प्लस कैसे बनता था। अब बताओ, जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब हुआ कि ये मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अपने पे निगेटिव चार्ज रखते हुए देखना चाहता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज। ये बेचारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया है, वो खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, स्टेबल बनाने के लिए वो अपने बगल वाले एटम से जो मेरा जो इस ऑक्सीजन के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बताइए ये ऑक्सीजन चाहे तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे या तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, दोनों बार एक ही है। तो बताओ यार, इसी कार्बन से हम लोग इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के बीच में बॉन्ड मेरा ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अगर ये ऑक्सीजन कंप्लीटली खींच लेता है तो ये बॉन्ड मेरा ब्रेक करेगा और ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि इस कार्बन से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, और चूंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया इस ऑक्सीजन को, इसलिए इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। और बताओ जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बहुत शानदार चीज तुम देखोगे, ये मेरा पहले था साइकिल, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा मेरा बन जाएगा ओपन चेन, यानी यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग CH2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये मेरा बन जाएगा, ये बॉन्ड मेरा टूटेगा, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड अगर ब्रेक किया तो लिखेंगे CH2, ये बॉन्ड तो है ही, लिखेंगे CH2, और इस CH2 के साथ क्या बना हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे OH, और इस O पे प्लस चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर O पे प्लस चार्ज। अब आप एक चीज देखना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये बॉन्ड जैसे ही मेरा ब्रेक किया तो हम लोग ये तो सिंपल कह सकते हैं कि इस O पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। रीजन, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया, मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया, खींचा तो इस कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शली पॉजिटिव। तो बताओ, इस कार्बन पे जैसे ही बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन न खुला जी, अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो यही ना कार्बन खुला, CH2 CH2 O, और ये बॉन्ड ब्रेक, तो यार इस O पे चार्ज कहां से, इस कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज नहीं, फुल्ली जब ब्रेक कर गया तो ये मेरा फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हो गया।
नहीं आया समझ में। अरे यार अगर ओ सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी है, अगर तुम ये बॉन्ड ब्रेक करते हो और ये बॉन्ड अगर टूट गया, टूट गया तो ऐसे नहीं लिख सकते हो सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ। सिमिलरली यहाँ पर जो तुम ऐसे लिखे हो ओ सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू और इसको पे पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग इसको तोड़ दें, तोड़ देंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया है तो ये ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, तो यहाँ से लिखेंगे सी एच टू और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा है तो पॉजिटिव, फिर यहाँ से सी एच टू और सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये बात समझ में आ रहा है, ये मेरा पहले था साइकिल, ये साइकिल ब्रेक किया तो बन गया स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन हो गया तो यहाँ। अब बताओ इस ओ के पास लोन पेयर है, ये चूंकि कार्बो कैटायन बन रहा है तो ये मेरा मोर स्टेबल बन सकता है और भी, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे तो यहाँ ये प्लस एम की तरह काम करने रहेगा जो कि कार्बो कैटायन के स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, याद करो हम लोगों ने शिफ्टिंग पढ़ा था, 1-2 हाइड्राइड पढ़ा था, 1-2 मिथाइल पढ़ा था, 1-2 फिनाइल पढ़ा था, H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R, क्लियर था। हमने वहां पर ये भी पढ़ा था बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर, वो अच्छा माइग्रेट करेगा, वो जल्दी माइग्रेट करेगा जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो बताओ यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड करवाएंगे तो यहाँ से मेरा बन जाएगा क्या, देखिएगा यहाँ से बन जाएगा CH2, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस और सिंगल बॉन्ड OH। अब इस O के पास लोन पेयर है, यहाँ प्लस M हो गया तो ये मोस्ट स्टेबल बन गया, अब ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, अब ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल को तुम बेंजीन पे अटैक करवाओ, जैसे ही बेंजीन पे अटैक करेगा तो बताओ बाबू ये कार्बन इस बेंजीन पे अटैक करेगा तो इसी कार्बन को बेंजीन के कार्बन से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इस कार्बन को जोड़े, इस कार्बन के साथ एक OH और एक CH3, यहाँ पर लगा दिए एक OH और यहाँ पर लगा दिए एक CH3, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। बहुत बेसिक से समझिएगा, फिर से एक बार बताते हैं, हम लोग क्या किए, इस बेंजीन को इपॉक्सी के साथ रिएक्शन करवाना है H प्लस के प्रेजेंस में। सबसे पहले मैकेनिज्म लिए, मैकेनिज्म में क्या देखें, ये मेरा इपॉक्सी है, H प्लस करवाएं, प्रोटोनेशन होगा, ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड करवाएगा, O पे पॉजिटिव चार्ज होगा और O का H के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया है, तो चूंकि ये ऑक्सीजन किसी ना किसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बॉन्ड को ब्रेक करेगा किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन, जैसे आप याद करो ना सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड OH पे प्लस चार्ज था, तो ये खींच के सी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस और बाहर निकल गया था मेरा H2O, ठीक है। अगर यहाँ पर OH2 प्लस चार्ज था तो H2O बाहर निकला था। सिमिलरली यहाँ भी ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो यही होगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया तो अब ये हो गया पूरा खाली, ये खाली, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2 OH, तो हम लोग इसी को ऐसे लिखे हैं सिंपल ओपन चेन में, ओपन चेन में लिखे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी मेरा यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये कार्बो कैटायन लेस स्टेबल है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस हो जाएगा और ये मोस्ट स्टेबल बन जाएगा। तो हमने पढ़ा है शिफ्टिंग ऑफ कार्बो कैटायन, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, बताओ यहाँ का हाइड्रोजन अगर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये न्यूट्रल और ये प्रोवाइड कर रहा है तो ये लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव, इसी को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखे। अब बताइए यहाँ प्लस चार्ज आया, बगल वाले एक ओ के पास लोन पेयर है, जैसे ही प्रोवाइड करवाएंगे ये ग्रुप हो जाएगा प्लस एम और डोनर आपके कार्बो कैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक करवाना है तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वही कार्बन आपके बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन अगर बेंजीन के साथ जुड़ा तो इस कार्बन के साथ एक OH था, एक CH3 है, इस कार्बन के साथ एक OH लग गया, एक CH3 लग गया, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द कन्वर्जन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन और इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना। बट इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिविजन करते रहिए, क्योंकि बिना आप देखो यहाँ पर आ गया हाइड्राइड शिफ्टिंग,
यानी यहाँ आ गया आपका हाइपर कंजुगेशन से पहले जो हम लोग कार्बोकैटायन पढ़े थे वहाँ कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग पढ़े थे, बहुत सारा शिफ्टिंग पढ़े, 1,2-हाइड्राइड, 1,2-मिथाइल, 1,2-फिनाइल, अगर तीनों हो रहा हो तो पहले हाइड्राइड करेंगे फिर फिनाइल करेंगे फिर अल्काइल करेंगे, हमने ऑर्डर पढ़ा था एच ग्रेटर देन पी एच ग्रेटर देन आर, अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप होता तो एच ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन टी, दिस विल बी द ऑर्डर। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर, जो इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा होगा वो जल्दी माइग्रेट करेगा, वो अपने आप को जल्दी एक जगह से दूसरे जगह को ले जाएगा। तो यानी कि हम लोगों ने कार्बोकैटायन को बहुत बेसिक से पढ़ा था कि डोनर विल इंक्रीजेज व्हाइल एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, जितना भी हम लोग SN1, SN2, डिटेंशन, इन्वर्जन, रेसनिक मिक्सचर, जो भी चीज हम लोगों ने देखा, इसको आप रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपका फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपका एक दिन यानी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट डे ही आपका एक असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम पे, और वो क्वेश्चन आप बनाइएगा और फिर हम उसका डिस्कस करेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए, थैंक यू।